200 और देना। चलो बाद में फिर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, और एक बार फिर आप सबका आज के वीडियो में तहे दिल से खुश आमदीद। अभी पहला सीन जो हमें करना है वो आज के दिन में ये है कि हमें जाना है अभी, और हमें जाके अपना जो स्पाइक कबूतर है, छोटा सा स्पाइक जो है, मेरी कनेरी बर्ड जो है, जिसके साथ हमने तकरीबन दो ढाई साल स्पेंड किए और अभी टूर पे, लेकिन उसके साथ मैंने बताया था कि मसला है उसे उठा के कहीं रखो, तो वो जिसे एक बार पहले उसने बिल्ली ने उस पर हमला किया था, तो उसे उठा के कहीं पे रखो तो वो फड़फड़ा के गिर जाती है और मुंह खोल लेती है, आँखें बंद कर लेती है। पहली बार जब हुआ था मुझे लगा बस ये जाने वाली है, आखिरी सांसें ले रही है, और फिर अल्लाह ताला का ऐसा करम हुआ, मैंने देखा उठ के वापस से बैठ गई, गाने लगी, सब सेट हो गया। तो फिर ऐसे जब एक आध बार मैंने उठाया तो मुझे ये चीज़ नोटिस हुई कि इसके साथ ये कुछ बीमारी हो गई है, ये डर जाती है कि इसे उठा के कहीं से रखो तो ये बेहोश हो जाती है। तो इसकी वजह से जो है फिर मैंने कहा इसका कुछ तो हमें करना पड़ेगा। अब मुझे इसको ले जाते हुए ये भी डर लगता है कि मैं कहीं लेके जाऊंगा तो ये बेहोश ना हो जाए, लेकिन ये बहुत हो रहा था। अब जैसे कि हम लोग अभी टूर पे गए थे तो उसकी देखभाल के लिए मैंने अपने मामू के उसको दे दिया था, और मैंने जो है कपड़ा वगैरह बांधा कि उससे शायद मोशन सिकनेस टाइप होती है कुछ बर्ड्स को भी, तो उसको कुछ नज़र नहीं आएगा। मैं लेके गया, उनके जाके रखा तो उसको कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने कपड़ा बांधा था। तो अब मैंने डिसाइड किया है वो चिड़िया अभी वहीं रखी हुई है। हमें आए हुए भी 4-5 दिन हो चुके हैं, यानी एक ही हफ्ता हो चुका है, संडे को हम आए थे, आज फिर से संडे है, तो आज उसको जो है वैसे ही लपेट के जो है हम जिससे ली थी एम्प्रेस मार्केट में उसको जाके बेच देते हैं, क्योंकि यार मैं उसका अब ध्यान वगैरह नहीं रख सकता सही तरीके से। मतलब खाना पीना सब दे सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, एक तो मेरी जो जगह है वहाँ पे इतनी धूप नहीं आती, तो हो सकता है उसे विटामिन डी का कुछ प्रॉब्लम हो जाए, होता होगा बर्ड्स में भी, हर जानदार को सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो चलो अगर वो नहीं भी हो रहा तो जो है ये चीज़ भी हो सकती है कि उसको मैं कहीं उठा के रख ना पाऊँ। वैसे तो नहीं रख सकता, मतलब उठा के रखने में उससे कोई प्रॉब्लम होती रहे बार बार, तो इसी वजह से अब जो है हम उसको सेल वगैरह करने लगे हैं ताकि वो भी आराम से टेंशन फ्री हो जाए, उसे भी धूप वगैरह मिले, वो टाइट हो जाए। ठीक है, तो चलता है उसे बेचने। जा रही है बिल्कुल। तो इस टाइम पे मुझे इसका बहुत दुख हो रहा था कि मैं इसको बताने क्यों बेच रहा हूँ, लेकिन मजबूरी थी, और जो है ये मैंने देखा ये इसकी सेहत के लिए भी अच्छा था बिकॉज सनलाइट वगैरह इसको नहीं मिलती। फिर हमने थोड़े से और परिंदे वगैरह देखने शुरू किए थे, वो स्पाइक को देख रहे थे, और फिर फाइनली स्पाइक बिक गया। पहले ये निमट जाए फिर घूमता दो सौ और देना। स्पाइक को छोड़ने के बाद हमने सोचा हम थोड़ी सी मार्केट वगैरह भी देखने एक्सप्लोर करने की, कुछ और समझ आए बर्ड जो कि अलग धूप का उसको इतना प्रॉब्लम ना हो तो वो देखने, लेकिन हमने कुछ लिया नहीं। फिर ये पटे तो बड़े बच्चा है। ये रिंग होती है ना, स्पिन की एज लिखी हुई होती है, वो लिखा हुआ होता है जब ये पैदा हुए हैं, डेट ऑफ बर्थ होती है। ढाई लाख का वही है, मकाओ देखो ऊपर, फिर धूप नहीं मिलेगी बीमार ना। चले नहीं नहीं
नीचे तीता रहे तीता वो पहले तीता मत कर है ना जी शाबाश 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 शाबाश। अभी काट रहे, इसकी जगह वगैरह चेंज हुई, पता नहीं इसको क्या हो गया। ओए चलो कोई नहीं। तो जैसे कि हम स्पाइक बेच के आ चुके हैं, और अब जो ये दाना वगैरह है ना, ये सीधा सीधा वहाँ पे किसी उसमें डाल देना है, जो खाना देने की प्याली दी थी परिंदों की, किसी उस प्याली में डाल देता है, वो पड़ी हुई हमने पहले ख़रीदी थी, दो तीन प्यालियाँ हैं पड़ी हुई दो, उसमें जो है ये डाल देना ताकि आराम से जो है अपना वो कोई चिड़िया वगैरह खा ले, क्योंकि मेरे मामू के पास तोते होते बजरी तोते वो सिर्फ बाजरा खाते हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ ढूंढता हूँ, कुछ बर्तन वगैरह सही सा पड़ा हुआ, उसमें तो पानी है फिलहाल, तो कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो अब मैं अगर ये ऐसे ही खोल के रखूँ तो कहीं उड़ बुड़ ना जाए ना हवा से। मिट्टी के प्याले में ये रहा एक मिट्टी का प्याला, मिट्टी के प्याले में डाल देता हूँ, ये लोग आराम से खा लेंगे। ये प्याला हमने ख़रीदा था, यहाँ पे रख दिया था, इसको इधर के इधर सेंटर में रख देता हूँ आराम से, ताकि ये खा ले। कबूतर ये जो इसको भी खाना है वो खा लेगा। ये कंटेनर मैं खुद ही नहीं रहा, रुको ये खुल गया कंटेनर, और ये सारी स्पाइकों का खाना ये था। अब ये दो ऑप्शन है, या तो ये हवा से उड़ने लगेगा, या फिर कोई यहाँ पे कव्वे हैं ये वो चिड़िया वगैरह कोई ना कोई खा लेगा इसको। हम यहाँ से नीचे चलते हैं, स्पाइक को हमने बेच दिया 3000 में, बेचा है उसको, मतलब वहाँ पे मुझे लग रहा था बेहोश वगैरह होगा, लेकिन अब मेरे ख्याल से वो सेट वगैरह हो गया, उसको कुछ होता नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। उसे हम लेके गए नीचे, बिल्कुल सेट था वो, वहाँ पे दुकान पे भी रखा, वहाँ भी सेट था। एक दो सेकंड के लिए चोंच खोली थी उसने, तो लगा ये टाय हो जाएगा, खैर उसने बोला 2000 में लूँगा 2500 में, नहीं यार इतने का नहीं, 4500 में ले लो, फिर 3500 में ले लो, लगे 3 में दे दो, चाहिए भाई ले लो। अब मेरे ख्याल से वो सेट तो हो गया, लेकिन पता मसला क्या था, वो हो गया था बूढ़ा, और मैं नहीं चाहता कोई जानवर जो है मेरे सामने मरे, क्योंकि उसे 2-3 साल पाला है, तो दिल को बहुत अजीब सा होगा अगर वो सामने मरेगा। तो उसको अब मरने ही था, बोलना बोलना भी उसने कम कर दिया था, सब बता के बेचा उसको। अब वैसे वो हमने 4500 का लिया था आज से 2-3 साल पहले, बूढ़ा हो गया था, उसके पर वगैरह का भी कलर चेंज हो गया था, बड़े पर हो गए थे थोड़े से, तो यानी उसकी एज हो गई थी तकरीबन 5 से 15 साल होती है कनेरी वाइल्ड में, और घर पे रखने वगैरह में मेरे ख्याल से वाइल्ड में ये होती हैं किसी कोयटा में या बाहर किसी कनाडा वगैरह में पाई जाती हैं, ऐसे किसी फॉरेस्ट वगैरह में, यहाँ पे तो इनको उड़ा उड़ा भी नहीं सकते, तो इसीलिए कुछ 6-7 साल की है जो कि मैक्सिमम, और पहले भी ये दो साल का 2.5 साल का तो था तकरीबन, ये 4-5 साल का हो चुका था, मतलब इसकी एज नेट पे देखो तो 10 से 15 भी दिखाता है, लेकिन वो 7-8 साल का हो गया था। तो अब हमने उसको बेच दिया, अब नीचे चलते हैं इंशाल्लाह, और स्पाइक तो बेच दिया हमने, देखना आगे क्या करते हैं, वीडियो वगैरह एडिट करता हूँ अपने टूर की, मैंने अभी तक नहीं डाली, वो सब डालते हैं, और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।